शांतिलाल मुथा फाउंडेशन ने प्राइमरी स्कूल सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए मूल्य शिक्षा को मद्देनजर रखकर मूल्यवर्धन कार्यक्रम की रचना की है। इससे बच्चों की सीखने की पद्धति ही बदल जाती है। इससे बच्चों में केवल मूल्य ही आत्मसात नहीं होते, वे भविष्य के शिक्षित, सुसंस्कृत, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र के 67,000 स्कूल्स, 2,00,000 टीचर, 45,00,000 विद्यार्थी आज मूल्यवर्धन की एक्टिविटी करते आए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, अभिभावक, हेडमास्टर्स, शिक्षक, शिक्षण अधिकारी के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव होता हुआ दिखाई देता है और ये इस देश के इतिहास में एक सबसे बड़ा और सबसे सफल उदाहरण है। और अगर यह प्रयोग महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में सफल हो सकता है तो निश्चित तौर पर देश भर के सभी राज्यों में ये प्रयोग सफल हो ही सकता है। सबसे पहले शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोवा में उनका काम एडुकेशन सेक्टर में 2005 से था। अभी कुछ दिन पहले शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन को गोवा सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। और मैं खास करके बता देता हूँ, मैंने खुद प्राइमरी एडुकेशन का रिव्यू जो शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन का लिया, उस रिव्यू से मुझे पता चला है कि उनकी एंगेजमेंट जो पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स इनके साथ में है, वो सही में एक संवेदनशील विद्यार्थी क्रिएट करता है। और ख़ास करके मूल्यवर्धन का शिक्षण हम सेकेंडरी स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उनके साथ MOU साइन किया है और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आगे आने वाले बच्चों को डेफिनेटली हो जाएगा। NEP 2020 के लिए आप जैसे सभी संस्थाओं का सहकार्य जरूरी है और नव भारत निर्माण में आप सभी का सहकार्य हमेशा सरकार को रहे, यही आपको शुभेच्छा और बधाई। जय हिंद, जय भारत।